Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishvesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying the practice set 4.2 of lesson 4 Ratio and Proportion of Standard 9's Algebra. So coming to the first question, using the property A upon B is equal to A into K upon B into K, fill in the blanks substituting the proper numbers in the following. जिसमें first question है आपका 5/7. अब ये एक ऐसा रेशियो है, पहला रेशियो जिसमें आपको न्यूमरेटर का भी वैल्यू पता है और डिनोमिनेटर का भी वैल्यू पता है, इज इक्वल टू इज डैश अपॉन 28 इज इक्वल टू 35 अपॉन डैश इज इक्वल टू डैश अपॉन 3.5. अब देखो ये पहला रेशियो है, ये कंप्लीट है, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्रेजेंट है, तो ये फर्स्ट रेशियो को हम बाकी के हर एक रेशियो के साथ कंपेयर करेंगे एक एक बार. So this is 5/7 is equal to dash upon 28. अब देखो यहां पर 28 जो है वो 7 का कौन सा मल्टीपल है, 7 into 4. ओके, तो 7 into 4 क्या, तो 28 आया, तो यहां पर जो 5 है इसे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा फिर वो 20/28. ओके, मतलब ये पहला ब्लैंक हमें मिल गया, इट इज 20. अब यही जो पहला रेशो है आपका 5/7, इसको दूसरे रेशो से आप कंपेयर करो 35/ 5 का कौन सा मल्टीपल 35 है, 5 into 7. सो यहां नीचे भी 7 into 7 होगा, सो दिस विल बी 35/49. ओके, और अब ये 5/7 को आप लास्ट रेशो से कंपेयर करो, 5/7 इज डैश अपॉन 3.5. 7/2 is 3.5 या 7 multiply by half is 3.5. So हम इसे ऐसा लिखेंगे 7 into half. So ये जो 5 है वो भी half से multiply होगा. So this is 3.5 और 5 का half is 2.5. और फिर final answer लिखोगे आप, भले आप इनको blanks दे दो. Okay. So final answer ऐसा आएगा आपका 5/7 is equal to, ये blank में आएगा 20/28 is 35/ उस blank में आएगा 49 is equal to उस blank में आएगा last वाले blank में 2.5/3.5. और same technique आपको ये second example के लिए भी use करना है. So, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप ये सॉल्व करके देखो और आपके आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करना. ओके, क्वेश्चन 2 देखो, फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज, जिसमें फर्स्ट सब क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ रेडियस टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. सो हम लेंगे सबसे पहले लेंथ आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल is given by 2πr. अब क्या find करना है, ratio between radius of circle, इसका मतलब radius is to circumference is equal to r is to 2πr, यानि r upon 2πr, जहाँ पे rr cancel हो जाएगा, बचेगा 1/2π. इसका मतलब the ratio between radius of circle and circumference of circle is 1:2π. Okay. Second question देखो, find the ratio of circumference of circle with radius r to its area. अब देखो, radius of circle क्या है? R. So circumference क्या आएगा? टू पाई आर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर. हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू इट्स एरिया, यानी 2πr इज टू पाई आर स्क्वायर, यानी 2πr अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो क्या बचेगा 2
अपॉन आर, इसका मतलब रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल टू इट्स एरिया इज 2:r. ओके, थर्ड सब क्वेश्चन देखो. फाइंड द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड इफ द लेंथ ऑफ साइड इज 7 सेंटीमीटर. अब देखो, सबसे पहले लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर. हमें किसका रेशियो फाइंड करना है? डायगोनल का विथ साइड. तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज रूट टू इंटू साइड, ये फॉर्मूला है. एंड देयर फॉर डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां पर इस केस में? रूट टू इंटू साइड यानी 7√2 सेंटीमीटर. अब देखो, हमें फाइंड क्या करना है? रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज टू साइड ऑफ स्क्वायर. डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या है? 7√2 इज टू. साइड क्या है? 7. तो दिस इज 7√2 अपॉन 7. 7 कैंसिल, तो ये आएगा √2/1. इसका मतलब द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज टू साइड ऑफ स्क्वायर इज √2:1. ओके, फोर्थ सब क्वेश्चन देखो. द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर. इसका मतलब रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है वो 3.5 सेंटीमीटर है. फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया. अब देखो, फॉर रेक्टेंगल लेंथ एल इज 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ बी इज 3.5 सेंटीमीटर. रेशियो किसका फाइंड करना है हमें? पेरीमीटर टू एरिया. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 × 5 + 3.5. 5 + 3.5 = 8.5 एंड 8.5 × 2 = 17 सेंटीमीटर आएगा. एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 5 × 3.5. ओके, नाउ सी, 5 × 5 = 25, पॉइंट इधर 2 कैरी हो गया था, 5 × 3 = 15 एंड 1 = 17. दिस इज, अब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो, यहाँ पर ये यूनिट दोनों सेंटीमीटर ही है. हाँ, भले यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आया, यहाँ पे सेंटीमीटर आया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, यदि सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ आता था तो हम बोलते थे कि यूनिट यूनिट अलग अलग है. ओके, यहाँ पे पावर्स उनके अलग है, ये चलता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हमें क्या करना है? रेशियो फाइंड करना है पेरीमीटर टू एरिया का. वो आएगा 17:2, यूनिट नहीं लिखते हैं हम, 17.5 अब क्या करोगे? तो इस डिनोमिनेटर से आपको पॉइंट हटाना है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करना. अब डिनोमिनेटर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो दिस विल बी 170/175. दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं. 5 × 5 = 15 बचेगा 2 = 34. दिस इज 5 × 35. 5 कैंसल, सो दिस विल बी 34/35. और फिर आप फाइनल आंसर लिखोगे, पेरीमीटर इज टू एरिया इज 34:35. ओके, क्वेश्चन 3 देखो. कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशियो, जिसमें पहला क्वेश्चन है उसमें आपको दो रेशियो दिया है. पहला रेशियो है √5/3 और दूसरा रेशियो है 3/√7. अब ये दो रेशियोज कंपेयर करने हैं. रूल क्या है? हम लोग फर्स्ट रेशियो का जो न्यूमरेटर है उसको सेकेंड रेशियो के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो सेकेंड रेशियो का न्यूमरेटर है उसको हम फर्स्ट रेशियो के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. अब ये देखो, √5 × √7. तो जब सर्ड्स का मल्टीप्लीकेशन होता है तो रेडिकेंड मल्टीप्लाई होते हैं और ऑर्डर सेम होनी चाहिए. यहाँ पे ऑर्डर सेम है, दोनों ही सर्ड्स का ऑर्डर 2 है. तो ये होगा √5 × 7.
और 3 3 होगा 9, सो दिस विल बी रूट 35 और 9। अब देखो एक है इरेशनल नंबर और एक है रैशनल नंबर, सो दोनों में डायरेक्ट कंपैरिजन तो होता नहीं है, एक तो दोनों ही रैशनल होने चाहिए या फिर दोनों ही इरेशनल होने चाहिए। अब ये रूट 35 है, इसे हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको जैसा कि वैसे ही रखेंगे, ये जो 9 है इसको इरेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो 9 कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 81। और अब इनके रेडिकेंट्स कंपेयर करेंगे हम, सो भैया 35 इज लेस देन 81, इसका मतलब रूट 35 इज लेस देन रूट 81, मतलब रूट 35 इज लेस देन 9, और रूट 35 इज लेस देन 9 मतलब दिस फर्स्ट रेशो रूट 5/3 इज लेस देन द सेकेंड रेशो विच इज 3/7। ओके, अब सेकेंड सम देखो आप, पहला रेशो है 3/5/5/7 और दूसरा रेशो है √63/125। अब आप अगर पहला रेशो देखोगे तो यहाँ पे जो सर्ड्स है वो मिक्स सर्ड्स हैं और दूसरे रेशो में जो सर्ड्स है वो प्योर सर्ड्स है, मतलब इनका कोएफिशिएंट 1 है और इनका कोएफिशिएंट अदर देन 1 है, बराबर है। तो ऐसे केस में क्या करना, एक तो ये जो मिक्स सर्ड है इनको प्योर में कन्वर्ट करो, मतलब ये जो 3 है ये 3 रूट के अंदर जाएगा। अब देखो रूट के बाहर की वैल्यू अगर रूट के अंदर जा रही है सो वो रूट का ऑर्डर एज अ पावर लेके जाती है, मतलब यहाँ पर इस रूट का ऑर्डर कुछ नहीं दिया, मतलब 2 है, ये स्क्वायर रूट है। सो यदि 3 अंदर जाएगा तो 3 स्क्वायर बन के अंदर जाएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो अंदर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 × 5 √45 हो जाएगा, और ये जो 5/7 है सो ये 5 रूट के अंदर जाएगा तो 5 स्क्वायर बन के जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 एंड 25 × 7 इज 175। ओके, सो ऐसे आपको ये जो मिक्स हर्ड है इनको प्योर में कन्वर्ट करना होगा, या फिर ये जो प्योर है इनको मिक्स में कन्वर्ट करना होगा, मतलब सिंप्लीफाई करना होगा। तो 63 आने 9/7 जा, फिर 9 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 3 बनेगा, बराबर है, और 125 ने 25 × 5 और 25 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 5 बनेगा। तो दो तरीके हैं, एक तो आप ये जो मिक्स हर्ड है इनको प्योर में कन्वर्ट करो, या जो प्योर हर्ड है इनको मिक्स में कन्वर्ट करो। मैं इन प्योर को मिक्स में कन्वर्ट करने वाला हूं, मतलब इन सर्ड्स को सिंप्लीफाई करने वाला हूं। एक और बात, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होंगे, अंडर रूट ऑफ 5 है और अंडर रूट ऑफ 7, ये आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो अब इन्हें जैसा कि वैसा रहने दो। 63 आने 9/7 जा और 125 आने 25 × 5, सो दिस विल बी 3/5/5/7, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 7 का स्क्वायर रूट 7, 25 का स्क्वायर रूट 5 और इस 5 का स्क्वायर रूट 5। अब आप यहां पर मल्टीप्लीकेशन करो, फर्स्ट रेशो का न्यूमरेटर इंटू सेकेंड रेशो का डिनोमिनेटर और सेकेंड रेशो का न्यूमरेटर इंटू फर्स्ट रेशो का डिनोमिनेटर, 3/5 जा तो 15 हो जाएगा और √5 × √5 इज 5। ओके, जैसे √x × √x होता है, √5 × √5 5, ये 3/5 जा 15 और √7 × √7 7, अब ये 75 है, ओके, विच इज लेस देन 15 × 7 = 105। इसका मतलब ये 3/5/5/7 इज लेस देन √63/√125। ओके, अब थर्ड सम देखो, पहला रेशो है 5/18, दूसरा रेशो है 17/121। यहाँ पर आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन द सेंस पहले रेशो का न्यूमरेटर इंटू दूसरे रेशो का डिनोमिनेटर और दूसरे रेशो का न्यूमरेटर इंटू पहले रेशो का डिनोमिनेटर। 121 × 5, देखो 5 1 = 5, 5 2 = 10, 1 कैरी करो 0 लिखा, 5 1 = 5 + 1 = 605। और अब देखो 17 × 18, 17 जा कितना होता है 289, 17 का स्क्वायर। अब हमें 17 18 जा पूछा है, मतलब एक और 17 जोड़ना पड़ेगा, तो 289 में 17 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, देखो ये 6 306, एंड ऑब्वियसली 605 इज ग्रेटर देन 306, देयरफॉर 5/18 इज ग्रेटर देन 17/121। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखो, हियर द फर्स्ट रेशियो इज √80/√48 एंड द सेकंड रेशियो इज √45/√27। अब ये सम सॉल्व करने के दो तरीके हैं, सबसे पहला तो ये
कि यहाँ पर ये जितने भी सर्ड्स आपको दिख रहे हैं सारे प्योर सर्ड्स हैं, मतलब कोएफिशिएंट जो है इनका ये 1 है। सो आप डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन करोगे, जो पहला रेशो है उसका न्यूमरेटर इंटू दूसरे रेशो का डिनोमिनेटर यानी √80 × √27। ओके, और फिर जो सेकंड रेशो है उसका न्यूमरेटर इंटू फर्स्ट रेशो का डिनोमिनेटर यानी √45 × √48। फिर ये मल्टीप्लीकेशन के बाद जो वैल्यू आएगी तो इनके राइट हैंड कंपेयर करेंगे हम लोग। और दूसरा तरीका ये है कि ये जो सर्ड्स है प्योर सर्ड्स इन्हें मिक्स में कन्वर्ट करो, इन्हें सिंप्लीफाई करो और फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग। तो जो दूसरा तरीका है मैं उससे सॉल्व करने वाला हूं। अब ये देखो, ये √80 है। अब 80 के पेयर ऑफ फैक्टर्स आपको देखना है। अब 80 के जो पेयर ऑफ फैक्टर्स रहेंगे उनमें परफेक्ट स्क्वायर देखना है और जो बड़ा परफेक्ट स्क्वायर है वो लिखना होगा यहां पर। कैसे? 80 यानी 1 × 80, 2 × 40, 4 × 20, 5 × 16, 8 × 10। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है 4 और 16। बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 16। तो आप इस √80 जो है 80 की जगह लिखोगे आप 16 × 5, और फिर वैसे ही जो 48 है वो भी होता है 16 × 3। 45 यानी 9 × 3, 27 यानी ये 9 × 5 और 27 यानी 9 × 3। 16 का स्क्वायर रूट 4 और 5 का स्क्वायर रूट इज √5। वैसे ही 16 का स्क्वायर रूट 4 और 3 का स्क्वायर रूट इज √3। 9 का स्क्वायर रूट इज 3, 5 का स्क्वायर रूट इज √5। यहां पर 9 का स्क्वायर रूट इज 3 और 3 का स्क्वायर रूट √3। ये 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, सो दिस इज √5/√3 और ये √5/√3, ये इक्वल आ गए। इसका मतलब √80/√48 इज इक्वल टू √45/√27। यहां पर ये दोनों रेशियोज जो है वो कैसे आ गए? इक्वल। ओके, अब फिफ्थ सम देखो आप। पहला रेशियो है 9/2/5.1 और दूसरा रेशियो है 3.4/7.1। अब देखो, जो पहला रेशियो है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही डेसिमल पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, तो दोनों के डेसिमल पॉइंट कैंसिल हो जाते हैं। और सेम अप्लाई होगा सेकंड रेशियो में, सो 34/70 बनाएगा। अब देखो, इन्हें हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं कि 92 × 71 करेंगे, 34 × 51 करेंगे, पर इससे पहले ये आपस में सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? वो देखो, मतलब 92 और 51 एक साथ किसी के टेबल में आते हैं क्या? तो 92 और 51 एक साथ किसी के टेबल में नहीं आते, मतलब दे आर कोप्राइम नंबर्स, मतलब उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। और वैसे ही 34 और 71 भी कोप्राइम नंबर्स है, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होते हैं, मतलब हमारे पास अब एक ही तरीका बचता है, हमें ये मल्टीप्लाई करना होगा 92 × 71 और 34 × 51। अब ये देखो, ये तो ऐसे ही देखते से समझ में आ जाता है कि ये वैल्यू बढ़ाने वाला है, क्योंकि आप 92 × 71 ये दोनों ही वैल्यू 34 × 51 से बढ़े। ओके, ये जो मल्टीप्लीकेशन है प्रोडक्ट है आपका 34 × 51, इसमें बड़ा नंबर 51 है, 51 से भी बड़े दोनों नंबर है, तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट बढ़ाएगा, पर हमें इसका वैल्यू देना होगा 92 × 71। 1 × 2 = 2, 1 × 9 = 9, 7 × 2 = 14, 1 कैरी किया, 7 × 9 = 63 + 1 = 64, 9 + 4 = 13, 1 कैरी किया, 4 + 1 = 5, सो दिस इज 6532। और अब 34 × 51, 1 × 4 = 4, 1 × 3 = 3, 5 × 4 = 20, 5 × 3 = 15 और 2 = 17, दिस इज 1734। एंड ऑब्वियसली 6532 इज ग्रेटर देन 1734, इसका मतलब 9.2/5.1 इज ग्रेटर देन 3.4/7.1। ओके,